हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज के इस वीडियो में मैं एक जेटकी हॉल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जेटकी लहंगा शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपने थंबनेल वगैरह देख के पता चली गया होगा कि मैं किस लहंगे की बात कर रही हूँ। सो यस गाइस, मैं ये एक नेवी ब्लू ग्रे टाइप का है लहंगा, बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल है। इस लहंगे का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा। और हाँ, थोड़ा सा मैं जेटकी के बारे में भी बता देती हूँ। जेटकी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आपको हर टाइप के लेडीज सूट्स, लेडीज साड़ीज, लहंगास, एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाने वाला है एक ही प्लेटफॉर्म में। तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। और इससे पहले भी मैंने जेटकी के लहंगास वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, जो कि आपने बहुत ही पसंद किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट दे दूंगी ऊपर आई बटन पर, ज़रूर चेकआउट करिएगा। और ब्राइडल लहंगास थे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लहंगे का रिव्यू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल नजर आई तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अभी वेडिंग सीजन चल रहे हैं तो हो सकता है कि और भी लोगों को ये पसंद आ जाए, तो सबको ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप मुझे हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडल है मेरा आइकॉनिक पूजा, फेसबुक पेज है मेरा आइकॉनिक पूजा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, मैं इसका लास्ट में पूरा फुल रिव्यू भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, जिससे कि आपको और इजी हो जाए समझने में कि ये कैसा इसका लुक आया है और कैसा ये लगेगा। वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। ग्रे ब्लू नेवी ब्लू का मिक्स कलर है, जैसे कि ओम्ब्रे इफेक्ट जाता है ऊपर लाइट और फिर उससे डार्क फिर सबसे नीचे डार्क, तो ये उसी कलर पैटर्न में आपको रिसीव होने वाला है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वेस्ट वाला पार्ट है जो कमर वाले हिस्से में आएगा। और बता देती हूँ गाइस कि ये लहंगा मैंने स्टिच करवा लिया हुआ है। और ये जो लहंगा है, ये देखिए, ये ऊपर की जो बेल्ट होती है, जो कमर वाला हिस्सा होता है, ये उसकी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छी इसके एम्ब्रॉयडरी की। इसके कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये देखिए, बहुत ही नजदीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसमें धागे की कढ़ाई है, ये ब्लू कलर का है और बीच में पिंक है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है गाइस, हर किसी पे चल जाने वाला है, चाहे आपकी स्किन टाइप कैसी भी हो, चाहे किसी भी कलर के हो, ये देखिए। और सीक्वेंस वर्क किया है और बीच में ना ये पाइपिंग जैसी डोरी है, इसका वर्क किया है, जिसकी वजह से पूरे लहंगे का लुक ही चेंज हो जाता है गाइस। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका प्राइस अंडर 3000 है, 2990 रुपीज़ है। और बाकी एक्चुअल प्राइस मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगी। देखिए, सिल्क का फैब्रिक है गाइस इसका, जो ये कपड़ा है ना, ये देखिए शाइन कर रहा है, सिल्क वाला फैब्रिक है। और प्लीज़ गाइस, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड करना, सिल्क वाला फैब्रिक है। अब आप इसकी कढ़ाई देखिए, कितने अच्छे तरीके से इसकी कढ़ाई की हुई है, ये देखिए, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और ये एक पाइपिंग सी है, ये देखिए डोरी टाइप है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और ये 10 कलियों वाला लहंगा है, 5 फ्रंट में और 5 बैक में, और घेरदार है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसका पैटर्न है कुछ, और कहीं से भी लहंगा खाली नहीं है और इतना प्यारा है। और अगर आप इसे अपनी बहन की शादी में या भाई की शादी में पहनने वाले तो गजब के लगने वाले, मैं बता रही हूँ गाइज, इतना ज्यादा मुझे पसंद आया है और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसको स्टिच भी करवा लिया। तो ये देखिए, फ्रंट से आपको कुछ ऐसा मिलेगा ऊपर से, और जैसे ही जैसे ये नीचे आता जाएगा इसका वर्क और ज्यादा हैवी होता जाएगा। ये देखिए,
बहुत ही हैवी है लहंगा, लहंगे में कोई कमी नहीं है। और नीचे वाला हिस्सा देखिए, ये देखिए गाइज। सो गाइज आपको ऐसे ही फ्रंट पे मिलेगा और सेम आपको सब कुछ बैक पे भी मिलेगा। ये देखिए फ्रंट और बैक सब कुछ ऐसा ही है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा ही फुल वर्क है। और कितना अमेजिंग, कितना प्यारा डिजाइन है गाइज, आप देख सकते हैं। और हर किसी पे ये बिल्कुल सूट करेगा, ये कलर ही ऐसा है, बिल्कुल डिफरेंट से यूनिक सा पैटर्न है गाइज। सो गाइज इसकी कलियों की बात करती हूँ, तो ये फ्रंट आपको 5 कलियों वाला मिल जाता है, फ्रंट से 5, बैक से भी 5, यानी कि टोटल 10 कलियों वाला लहंगा है। और नीचे का भी आप देख सकते हैं, और बहुत ही घेरा है गाइज इसका, 3.5 मीटर का इसका घेरा है। और आपको अंदर से लाइनिंग, कैनवस, कैन सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए बहुत ही हार्ड इसका, मतलब ये कैनवस लगा होगा, ये देखिए इतना ज़्यादा इसका कैनवस लगा है। आपको लाइनिंग मिल जाती है, प्लस कैन मिल जाते हैं, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा फ्लेयर मिलेगा। और ये देखिए बहुत ही हार्ड वाला कैन आपको मिल रहा है, बहुत ही हार्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कैन है, जिससे कि घेरा बहुत अच्छा आता है, वॉल्यूम अच्छा मिलता है आपके लहंगे को, फ्लेयर अच्छा आता है। और साथ के साथ आपको ये एक लाइनिंग भी मिलती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आपको कुछ अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा, सिर्फ आपको साइड से एक स्टिच करवाना पड़ेगा। और इसकी जो वेस्ट साइज़ है, वेस्ट साइज़ up to 44 inches, यानी कि डबल एक्सल तक वालों को आ जाएगा इसकी वेस्ट साइज़ है। और लेंथ भी 44 inches का लेंथ है इसका। और जो इसका घेरा है वो 3.5 मीटर का है। और जो इसका फैब्रिक है वो सिल्क फैब्रिक है गाइस, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट वाला मटेरियल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है ये फैब्रिक। और आपने इसकी कढ़ाई तो देख ली है, एम्ब्रॉयडरी देख ली है कैसी है, ये देखिए। और बिल्कुल मैं नज़दीक से भी दिखा दूंगी कि आपको ये कैसा मिलेगा, ये कैसा भी दिख रहा है, और वियर करके भी दिखाऊंगी लास्ट में, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए लहंगा तो हो गया, अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। सो गाइज ये देखिए ये दुपट्टा है, और दुपट्टा नेट का मिलेगा आपको, पूरी फुल लेंथ मिलेगी, 2.5 मीटर का दुपट्टा मिलेगा आपको, और चारों तरफ से इस टाइप की कुछ बॉर्डर मिलेगी, जो कि लहंगे से मैचिंग बॉर्डर है, जो कि लहंगे में एम्ब्रॉयडरी थी उसी टाइप का लहंगे से मैचिंग ये आपको बॉर्डर मिल रहा है, जिसमें आपको सीक्वेन वर्क मिल रहा है, पिंक थ्रेड वर्क मिल रहा है, गोल्डन सीक्वेन मिल रहा है, और स्काई ब्लू वाला वर्क मिल रहा है। तो इस कदर से आपको ये वर्क मिल रहा है। और पूरे दुपट्टे में ना ये देखिए ये स्मॉल स्मॉल बीड्स मिले हैं, ये देखिए फ्लावर जैसा कुछ बना है, पिंक कलर के थ्रेड के बाद ये सीक्वेंस भी लगा है। पूरे दुपट्टे में आपको ऐसा ही वर्क मिलेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत हैवी लुक, बहुत अच्छा लुक आएगा। और इसका जो कलर है ना, वो जो पिंक कलर का थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, उसी टाइप से ये आपको थ्रेड वाला पिंक वाला कलर मिल रहा है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट नेट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, कई कई नेट बहुत ही हार्ड वाले नेट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। और इसकी विथ लेंथ बहुत अच्छी है, इतना चौड़ा है और इतना ज़्यादा लंबा है, 2.5 मीटर का दुपट्टा है, कोई कमी नहीं है इस लहंगे में, कोई कमी नहीं है इस दुपट्टे में। तो मस्ट बाइंग लहंगा है गाइज, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको पसंद है कि नहीं पसंद आया। ये देखिए, तो चलिए इसका मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ, ब्लाउज कैसा बनेगा। सो गाइज ये रहा ब्लाउज, जो कि मैंने स्टिच करवा लिया, आपको अनस्टिच मिलेगा, मैं फिर से बता देती हूँ, अनस्टिच मिलेगा आपको टोटली। लेकिन जो आपको ये दिख रहा है, जो वर्क आपको वर्क सेम मिलेगा, और इसमें आपको ये स्लीव्स नहीं मिलेंगी गाइज, ये तो जस्ट मैंने अटैच करवाई है, स्लीव लेस मिलेगा आपको, इसके साथ आपको स्लीव्स नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन आपको ब्लाउज का वर्क सेम एज इट इज, जैसे कि लहंगे में वर्क था ये वैसा मिलेगा। ये देखिए फ्रंट से भी वर्क पूरा फुल है, और बैक से भी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हैं। और ये स्लीव्स मैंने अलग से लगवाई हैं नेट की, और स्लीव लेस मिलेगा आपको, स्लीव्स नहीं मिलेंगी। और आपको जो इसका फैब्रिक है वो भी सिल्क में ही मिलेगा, जैसे कि लहंगे में था
और लाइनिंग वगैरह सब कुछ आपको इसमें लगवाना पड़ेगा गाइस। और आप डबल एक्सल आप किसी भी साइज के हो तो आपको ये ब्लाउज आराम से स्टिच हो जाने वाला है, कहीं से आपको कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, बहुत 1 मीटर जितना आपको कपड़ा मिलेगा। तो चलिए इसका क्लोजअप आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि ये आपको कैसे इसका डिजाइन है, जो कि आपको अभी शायद कम दिख रहा हो, तो थोड़ा क्लोजअप दिखा देती हूँ।